आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग दो, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। दिल्ली में पहली बार। जयपुर से दिल्ली तक की हमारी यात्रा नए क्षेत्रों की यात्रा थी। उन क्षेत्रों के लोग हमारे लिए नए थे और हम उनके लिए नए थे। कुछ लोग हमारी वेशभूषा देखकर कहते थे ये जैनी संत हैं। कुछ लोगों के लिए वो वेशभूषा ही अजूबा बन गई। रजोहरण, मुख वस्त्रिका आदि को लेकर उनके मन में जिज्ञासाएं उभरने लगी, किंतु साधु साथियों से कुछ पूछने का साहस वे नहीं कर पाते। छोटे छोटे गांवों के लोग आपस में बतियाते, इन्होंने मुख क्यों बांध रखा है, ये बोलते कैसे हैं, ये खाना कैसे खाते हैं, इन सब के मुंह का एक साथ ऑपरेशन हुआ है क्या, इनके हाथ में ये झाड़ू सा क्या है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इनके साथ इतनी कारें और बसें हैं फिर भी ये पैदल क्यों चलते हैं, इत्यादि। कभी कोई साधु या साध्वी रुककर उनके प्रश्नों को समाहित कर देती, अन्यथा वे उन प्रश्नों के बारे में सोचते सोचते अपने काम में जुट जाते। जिन गांवों, कस्बों या शहरों में हमारा पड़ाव होता, वहां दिन में 2-3 बार प्रवचन के कार्यक्रम आयोजित होते। हम उन्हें धर्म की बातें बताते, जीवन को सही ढंग से जीने की प्रक्रिया समझाते और उस संदर्भ में अनुव्रत की चर्चा करते। उस चर्चा में लोगों ने अच्छी रुचि ली। उनकी प्रतिक्रिया यह रही कि जितने साधु संन्यासी आते हैं वे सब अपने पंथ की बात करते हैं। जनता का जीवन कैसा होना चाहिए यह चिंता किसी को नहीं है। जनता की रुचि और आकर्षण देखकर हमारा उत्साह भी बढ़ता रहा। हमारी यात्रा में एक आकर्षण पारमार्थिक शिक्षण संस्था का था। दीक्षार्थी भाई बहनों की साधना और शिक्षा के लिए समाज के वरिष्ठ शावकों ने 1 वर्ष पहले ही संस्था की स्थापना की थी। उन्होंने सोचा संस्था नई नई है, यह एक स्थान पर रहेगी तो दीक्षार्थी भाई बहनों के आध्यात्मिक प्रशिक्षण में व्यवधान उपस्थित हो जाएगा। इनकी देखरेख के लिए समाज के लोगों की अपेक्षा रहेगी। यात्रा और उपासना के आकर्षण से अच्छे अच्छे व्यक्ति समय देने के लिए तत्पर रहेंगे, अन्यथा समाज के संभ्रांत और विश्वस्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराने में कठिनाई होगी। संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यापकों को रखना होगा, कर्मचारियों का स्टाफ भी रहेगा। यात्रा के साथ रहने से इन सबको समय समय पर उचित मार्गदर्शन मिलता रहेगा। संस्था के व्यवस्था पक्ष का निर्धारण करते समय यह निर्णय लिया गया कि भोजन, वस्त्र, चिकित्सा तथा व्यक्तिगत जरूरत की वस्तुओं पर आने वाला व्यवहार दीक्षार्थियों के अभिभावक वहन करेंगे। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था, कर्मचारी के वेतन आदि का आर्थिक दायित्व संस्था का रहेगा। संस्था को समाज का सहयोग मिलता रहेगा। अध्यक्ष, संयोजक तथा एक एक महीने संस्था को अपनी सेवा देने वाले संरक्षक अपने भोजन आदि का व्यवहार स्वयं वहन करेंगे। संस्था के प्रारंभ काल में बनी यह व्यवस्था अब तक प्राय उसी रूप में चल रही है। संस्था के प्रति समाज का दृष्टिकोण सदा सकारात्मक रहा है, इसलिए इसके सामने कभी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आई। बहुत लोगों ने इस संस्था को स्वेच्छा से अपनी सेवा समर्पित की और साधना करने वाली बहनों की अपनी बेटियों की तरह सार संभाल की। संस्था को निस्वार्थ भाव से सेवा देने वाले व्यक्तियों की सूची बहुत लंबी है। प्रमुख रूप से संस्था के साथ जुड़े कुछ व्यक्तियों का नामोल्लेख यहाँ किया जा रहा है। विक्रम संवत 2005 में पारमार्थिक शिक्षण संस्था के प्रथम अध्यक्ष बनने का सौभाग्य महालचंद जी सेठिया सरदार शहर को मिला। महालचंद जी बालचंद जी सेठिया के पुत्र थे। बालचंद जी सेठिया श्रीचंद जी गधेया के समवयस्क थे और धार्मिक संस्कारों की दृष्टि से भी उनके समकक्ष थे। धर्म शासन के प्रति सहज श्रद्धाशील और भक्तिमान श्रावक थे। उनके पुत्र होने के कारण महालचंद जी को धार्मिक आस्था विरासत में प्राप्त थी। वे तत्व के जानकार, संघ हितेशी और व्यवहारिक व्यक्ति थे। उस समय पारमार्थिक शिक्षण संस्था का दायित्व संभालना काफी कठिन था, फिर भी उन्होंने उत्साह के साथ दायित्व संभाला। उस समय प्राप्त उनकी सेवा संस्था परिवार के लिए सदा अविस्मरणीय रहेगी। उनके अध्यक्ष काल में
संयोजक के पद पर जयचंद लाल जी दफ्तरी ने काम किया। छोगमल जी चोपड़ा गंगा शहर का संस्था की स्थापना में सर्वाधिक योगदान रहा। प्रारंभिक वर्षों में वे महीनों महीनों तक संस्था में रहे और दीक्षार्थी भाई बहनों को संस्कृत अंग्रेजी आदि का अध्ययन भी कराते रहे। विक्रम संवत 2008 में नेमीचंद जी गधेया सरदार शहर अध्यक्ष पद पर आए। उनके साथ संयोजक के रूप में काम किया जबरमल जी भंडारी जोधपुर ने। विक्रम संवत 2010 से 2030 तक जबरमल जी भंडारी ने पूरी जागरूकता और सूझबूझ के साथ अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला। जैन दर्शन के अध्यापन में भी उनका बहुत सहयोग रहा। उनके कार्यकाल में प्रथम दो वर्षों तक संयोजक का काम चंदनमल जी बैद राजल देसर ने किया। विक्रम संवत 2012 में संयोजक के रूप में संस्था को कल्याणमल जी बरड़िया जयपुर उपलब्ध हो गए। भंडारी जी और बरड़िया जी की जोड़ी बड़ी विलक्षण थी। उन दोनों ने एक दूसरे के पूरक बनकर पिता और माता की तरह संस्था को संरक्षण दिया। उनकी दीर्घकालीन सेवाओं से संस्था का अंतरंग पक्ष और व्यवस्था पक्ष दोनों ही बहुत सुदृढ़ हुए। बरड़िया जी ने तो अपनी जीवन यात्रा का समापन संस्था में ही किया। विक्रम संवत 2031 में संस्था के अध्यक्ष पद पर रानमल जी जिरावला समदड़ी आसीन हुए। उनका काम करने का अनूठा ही तरीका रहा। संस्था को संपन्न और स्वावलंबी बनाने के लिए उनका विशेष योगदान रहा। पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ वे अपना काम संभालते रहे। शुरू शुरू के वर्षों में प्रतिवर्ष संस्था को एक दो महीनों की सेवा देने वाले व्यक्ति संरक्षक के रूप में पहचाने जाते थे। उन व्यक्तियों में पूरन चंद जी रामपुरिया सुजानगढ़, महालचंद जी दुक्कड़ सरदार शहर, धनराज जी बैद सुजानगढ़, डॉक्टर जेठमल जी बंसाली श्री डूंगरगढ़, गुलाबचंद जी बाफना सुजानगढ़, जबरमल जी भंडारी जोधपुर, प्रतापमल जी मेहता जोधपुर, चंदनमल जी बैद राजल देसर, तोलाराम जी चिंडालिया राजल देसर आदि अनेक व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं। समय समय पर कुछ महिलाओं ने भी संरक्षिका के रूप में संस्था को अपनी सेवाएं दी। उनमें उलासी देवी भुतेड़िया लाडनू, मिलापी देवी खटेड़ लाडनू, विजया देवी सुराना राणावास, संतोष देवी जिरावला, बाद में साध्वी शीतल प्रभा जी आदि का नाम उल्लेखनीय है। मेवाड़, मारवाड़, थली आदि क्षेत्रों से समाज के और भी अनेक व्यक्ति संस्था को अपनी सेवाएं देते रहे। प्रारंभ में बहनों की वेशभूषा में एक रूपता नहीं थी। हमारी दिल्ली यात्रा तक उनके लिए गणवेश का निर्धारण हो गया। एक गणवेश में हमारे साथ पद यात्रा करती हुई बहने सहज ही दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती। वे रास्ते में आध्यात्मिक एवं नैतिक गीतों का संगान करती हुई चलती तो स्थान स्थान पर झुंड के झुंड लोग उत्सुकता के साथ उनके द्वारा गाए जा रहे गीतों को सुनते। कभी कभी बहनें अविराम रूप से पूरे रास्तों को गीतों से गुंजायमान कर देती। प्रवचन सभाओं में भी यदा कदा बहनों को बोलने का अवसर मिल जाता। इससे उनके बोलने और गाने का अभ्यास होता रहता। कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि उस यात्रा में पारमार्थिक शिक्षण संस्था का साथ में रहना अनेक दृष्टियों से उपयोगी रहा। दिल्ली यात्रा से पहले हमारा विहार क्षेत्र सीमित था। साधु साधुओं के लिए कुछ नए क्षेत्र खुले, किंतु आचार्यों के लिए यह माना जाता रहा था कि दिल्ली कलकत्ता जैसे महानगरों में उन्हें नहीं जाना चाहिए। इस निषेध के पीछे तर्क ये रहता था कि शहरों में भीड़ बहुत होती है, वहाँ ईडिया समिति और उत्सर्ग समिति में पूरी कठिनाइयां रहती हैं। यह तर्क निरर्थक नहीं था, पर शहरों के बारे में जितना भय प्रदर्शित किया जाता था वह कुछ अंशों में ही ठीक था। उस वर्ष दिल्ली यात्रा की बात सुन समाज में नया उत्साह जाग गया। अनेक क्षेत्रों के यात्री यात्रा में साथ हो गए। तेरापन समाज की यह परंपरा रही है कि दर्शन या उपासना के लिए आने वाले यात्री पूरी तरह से स्वावलंबी रहते हैं। फिर भी यात्रा में जिन जिन गाँवों या शहरों में हमारा पड़ाव होता, स्थानीय लोग एक बड़ी संख्या में यात्रियों को देखकर एक बार तो घबरा जाते। जब उन्हें समझाया जाता कि यात्रियों के लिए केवल स्थान और पानी की व्यवस्था ही अपेक्षित है, खाने पीने व पहनने ओढ़ने की सारी व्यवस्था उनके साथ है, तब जाकर उनकी घबराहट कम होती है। फिर तो वे भोजन आदि के लिए भी बहुत आग्रह करते, किंतु यात्री लोग अपनी परंपरा के अनुसार स्वावलंबी रहकर ही उपासना करते। दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाने का वह पहला अवसर था, इसलिए मन में कुछ आशंकाएं थी। फिर भी मेरी प्रकृति ऐसी थी कि जिस काम के लिए मन संकल्पित हो जाता है
उसे पूरा करने में अपने पुरुषार्थ का नियोजन कर देता हूँ। इसी प्रकृति के बल पर विक्रम संवत 2007 वैशाख कृष्णा चतुर्थी के दिन इंडिया गेट के से हमने दिल्ली में प्रवेश किया। प्रवेश द्वार पर अनेक लोगों ने स्वागत किया। वहां से दरियागंज, लाल किला, चांदनी चौक, घंटाघर, फतेहपुरी और खारी बावली होते हुए हम एक व्यवस्थित जुलूस के साथ नया बाजार पहुंचे। नया बाजार गल्ले के व्यापार का प्रमुख केंद्र है। वह दिल्ली का मध्य भाग है। वाहनों का यातायात रात्रि के समय भी नहीं रुकता। दिन में लोगों की अच्छी भीड़ रहती है। पूरा व्यस्त एरिया है। वहाँ लाला वृद्धिचंद जैन के न्यास भवन में हमारे प्रवास की व्यवस्था थी। न्यास भवन के 3 मंजिले मकान के सामने आर्य समाज का प्रसिद्ध भवन श्रद्धानंद बलिदान भवन था। उसी रोड पर सिरसा के केसरी चंद जी मोहनलाल जी पार्क के मकान में साथियों का प्रवास हुआ। हम दिल्ली गए उस समय मेरी अवस्था लगभग 35 वर्ष की थी। नया खून, नया जोश और नया काम करने की ललक, पर इस दृष्टि से पृष्ठभूमि मजबूत नहीं थी। अनुव्रत का कार्यक्रम हाथ में था, पर तब तक दिल्ली के प्रबुद्ध वर्ग के साथ विशेष संपर्क नहीं हो पाया था। फिर भी स्वागत कार्यक्रम में लोगों की उपस्थिति अच्छी थी। लाला तनसुख राय जैन दिगंबर समाज के अच्छे पुराने कार्यकर्ता थे। उन्होंने स्वागत भाषण किया। पट्टी वाले जगन्नाथ जी नाहर, मोहनलाल जी कठोतिया, वीर इंडिया के संपादक नंद किशोर जैन, आचार्य प्रियदर्शी आदि अनेक व्यक्तियों ने उस प्रवास को कार्यकारी बनाने के लिए उत्साह के साथ काम करने की भावना प्रकट की। दिल्ली के यशस्वी पत्रकार सत्यदेव विद्यालंकार पहली बार संपर्क में आए। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में वे भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध थे। दैनिक हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स में उन्होंने प्रधान संपादक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय वे अमर भारत का प्रकाशन करते थे। मुनि चंपालाल जी के दिल्ली चातुर्मास में उनके साथ सत्यदेव जी का अच्छा परिचय हो गया था। उस परिचय के आधार पर वे आए और बोले, आचार्य जी, आप जिस मिशन को लेकर आए हैं उसे चलाने के लिए सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। जब तक पत्रकार लोग अनुव्रत के संबंध में कुछ नहीं लिखेंगे, तब तक लोग जान ही नहीं पाएंगे कि आप यहाँ कोई विशेष संदेश देने आए हैं। पत्रकारों से कभी हमारा वास्ता नहीं पड़ा था। वे क्या करेंगे और क्या सोचेंगे, इस चिंतन में हम कॉन्फ्रेंस की बात पर बल नहीं दे पाए। पत्रकार शोभालाल गुप्त, मुकुट बिहारी वर्मा आदि मिले। उन्होंने भी पत्रकार सम्मेलन करने का सुझाव दिया। बात ठीक लगी। हमने उनको उचित समय पर पत्रकार सम्मेलन आयोजित करने का आश्वासन दे दिया। 6 अप्रैल 1950 को दिल्ली में आयोजित प्रथम स्वागत सभा को संबोधित करते हुए मैंने कहा, ज्ञानी होने का सार यही है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता। किसी की हिंसा न करने में संसार के छोटे बड़े सभी प्राणियों की हिंसा से विरत रहने का संकेत है। एक संसारी प्राणी के लिए इतना संभव न हो तो वह कम से कम अनर्थ हिंसा से अवश्य बचे, निरपराध प्राणियों की हिंसा न करे। अहिंसा के संदर्भ में भगवान महावीर का चिंतन और दर्शन एक गंभीर विश्लेषण मांगता है। उन्होंने दूसरों की हिंसा से बचने पर जितना बल दिया, उतना ही बल स्वयं की हिंसा से बचने पर दिया। अपनी हिंसा मत करो, यह बात सामान्यतः हर एक व्यक्ति के समझ में नहीं आ पाती। ऐसी स्थिति में हम सोचे कि हिंसा है क्या। महावीर ने कहा, अपना प्रमाद हिंसा है, अपनी असत्य वृत्ति हिंसा है। प्रमाद या असत्य प्रवृत्ति से बचने वाला व्यक्ति अपने आप अहिंसक बन जाता है। गांधी जी ने राजनीति में जिस अहिंसा का प्रयोग किया वह और क्या थी। उन्होंने अपने आप पर प्रयोग किया, वैसा प्रयोग परिवार में हो सकता है, समाज में हो सकता है, देश में हो सकता है। यह अहिंसा उपदेश का नहीं, प्रयोग का विषय है और यही सही अर्थ में धर्म है। पर आज धर्म भी धर्म न रहकर मजहब अधिक बन गया है। वास्तव में अहिंसा या धर्म किसी संप्रदाय, जाति या वर्ग से संबंधित नहीं होता। उसका संबंध मानव मात्र से है। हमने जिस अहिंसा धर्म को पाया है, तेरा पंथ के माध्यम से पाया है। तेरा पंथ जैन धर्म का अभिन्न अंग है। इस पंथ का नाम ही ऐसा है जिसमें मेरेपन का कोई आग्रह नहीं है। तेरा पंथ अर्थात प्रभु का पंथ, मानव मानव का पंथ। इस विषय में डॉक्टर राजेंद्र बाबू के साथ जयपुर में 2 घंटे तक मेरी बात हुई। निष्कर्ष रूप में मैंने उनसे जो कहा उसकी घोषणा आज मैं दिल्ली के प्रथम प्रवचन में करना चाहता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कहा,
देश में सत्य और अहिंसा के प्रसार की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। संसार की शांति इसी के द्वारा संभव है। उनकी यह बात सुनकर मैंने कहा, यही काम मैं करना चाहता हूँ। मैं एक धर्म संघ का आचार्य हूँ। 600 से अधिक समर्पित साधु साधियों की शक्ति मेरे पास है। मैं अपने संघ की पूरी ताकत अहिंसा और विश्व मैत्री के प्रसार में लगाना चाहता हूँ। यह संघ एक सूत्र में बंधा हुआ है, पूरी तरह से अनुशासित और व्यवस्थित है। यह शांति, अहिंसा और सत्य के सैनिकों का दल है। यह आत्मा से स्वीकृत मर्यादा की श्रृंखला से बंधा हुआ है। मैं इसे देश और मानव जाति की सेवा के लिए समर्पित करता हूँ। आप इसका उपयोग करें। मैं अपने संघ के कुछ साधु साधियों के साथ दिल्ली आया हूँ। शायद साधु साधियाँ जहाँ कहीं हैं, वे एक निर्देश पर किसी भी काम में नियोजित होने का उद्यत हैं। यहाँ उपस्थित जन समुदाय से भी मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि वह हमारे काम में सहयोगी बने। सत संकल्प के साथ आपके अपने जीवन का निर्माण ही हमारा सबसे बड़ा सहयोग है। उत्सुकता, उत्साह और आश्चर्य की मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बीच दिल्ली का पहला कार्यक्रम संपन्न हुआ। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक पत्रों में हमारे आगमन और प्रथम कार्यक्रम के समान प्रकाशित हुए। इससे अनायास ही लाखों लोगों तक हमारे विचार पहुंच गए। प्रथम 11 दिन हमारी दिल्ली यात्रा के अनेक उद्देश्य थे। उनमें एक उद्देश्य था व्यापक जनसंपर्क। जब से अनुरत आंदोलन का कार्य शुरू हुआ, नए नए लोग उसके साथ जुड़ रहे थे। आम आदमी तक अनुरत की आवाज पहुंचाना जितना आवश्यक था, प्रबुद्ध और व्यापक दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ उस विषय में विचार विमर्श करना भी उतना ही अपेक्षित था। उनसे संपर्क कैसा साधा जाए, इस संदर्भ में चिंतन करके कार्यक्रम की रूपरेखा बनानी थी। पर जिस दिन 6 अप्रैल 1950 हम दिल्ली पहुंचे, उसी दिन बौद्ध भिक्षु भदंत आनंद कौशल्यान मिलने आ गए। भदंत जी ख्याति प्राप्त विद्वान थे। हमने उनका नाम सुना था, किंतु कभी मिलन नहीं हुआ। प्रथम परिचय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त सी चर्चा हुई। तेरापन धर्म संघ के उद्भव का इतिहास, आचार्य भिक्षु और उनके द्वारा निर्मित संविधान के संबंध में उन्होंने अच्छी रुचि ली। आचार्य भिक्षु के हाथ का लिखा हुआ संविधान पत्र देखकर वे बोले, आचार्य जी, यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरी सावधानी से रखा जाए। संभव हो तो इसे हवा रहित फ्रेम में रखा जाए, ताकि किसी के हाथ का स्पर्श न हो। भदंत जी ने जैन धर्म की श्वेतांबर परंपरा के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त की। उनकी जिज्ञासा के समाधान में मैंने कहा, भगवान महावीर के समय में सर्वत्र और निर्वस्त्र दोनों प्रकार के साधु थे। साधना का जहां तक सवाल है, वस्त्रों को लेकर कोई बाधा नहीं है। सवस्त्र अवस्था में साधना की जा सकती है और निर्वस्त्र अवस्था में भी साधना की जा सकती है। साधक अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार साधना का मार्ग स्वीकार करता है। एकांतिक आग्रह विग्रह को जन्म देता है। हमारी आस्था आगमों में है, वहाँ सचेल और अचेल दोनों अवस्था में साधना का उल्लेख है। भदंत जी ने दिगंबर मान्यता के परिवेश में स्त्री मुक्ति का प्रश्न उपस्थित किया। मैंने कहा, आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से स्त्री और पुरुष की अर्हता में कोई अंतर नहीं है। पुरुष की तरह स्त्री भी केवल ज्ञान का वरण कर मुक्त हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति में काल विशेष का भी योग रहता है। वर्तमान युग में स्त्री या पुरुष कोई भी मोक्षगामी नहीं हो सकता। इस अवसरपीणी काल में आचार्य जम्बू अंतिम केवली थे। महावीर निर्वाण के 64 वर्ष बाद उनकी मुक्ति हुई। उसके बाद भरत क्षेत्र में किसी की भी मुक्ति नहीं हुई। भदंत जी ने बौद्ध परंपरा में स्त्री की स्थिति का चित्रण करते हुए कहा, हमारे यहाँ साधक की 3 कोटियाँ हैं, अर्हत, प्रत्येक बुद्ध और सम्यक बुद्ध। स्त्री अर्हत हो सकती है, प्रत्येक बुद्ध और सम्यक बुद्ध नहीं हो सकती। वह अर्हत अवस्था में मुक्त हो सकती है। जैन परंपरा की तरह बौद्ध परंपरा में भी माना गया है कि वर्तमान में कोई मुक्त नहीं होता। लंका की बौद्ध परंपरा के अनुसार अंतिम मुक्त मलय देव हुए। हमारी चर्चा का अगला बिंदु दीक्षा पर जा टिका। भदंत जी ने बाल दीक्षा का प्रश्न उठाया तो मैंने कहा, मैं बाल दीक्षा का समर्थक नहीं हूँ, पर बालक को दीक्षा के लिए अयोग्य नहीं मानना। मैं योग्य दीक्षा का समर्थक हूँ। जैन मनोविज्ञान के अनुसार 9 वर्ष के बालक में दीक्षा की योग्यता आ सकती है, पर 9 वर्ष के सब बालक दीक्षा के योग्य हो जाए यह अनिवार्यता नहीं है। मेरी बात सुनकर भदंत जी बोले, बौद्ध परंपरा में दीक्षा की 2 प्रणालियां हैं,
प्रवज्या और उपसंपदा। जब कौवा उठाने के लिए योग्य हो जाए तो उसे प्रवज्या दी जा सकती है। उपसंपदा के लिए 20 वर्ष की अवस्था निर्धारित है। वार्तालाप के बीच अहिंसा की चर्चा में मैंने कहा, अहिंसा में हमारी प्रगाढ़ आस्था है। जैन मुनि के 5 महाव्रतों में पहला महाव्रत अहिंसा है। वे न तो स्वयं हिंसा करते हैं और न हिंसा करने वाले का समर्थन करते हैं। इस पर भदंत जी बोले, जो लोग साधु बन जाते हैं उनको भी शरीर निर्वाह के लिए भोजन की अपेक्षा रहती है, उसकी पूर्ति कैसे होती है? भोजन हिंसा से निष्पक्ष होता है, ऐसी स्थिति में अहिंसा खंडित नहीं होगी क्या? भदंत जी का प्रश्न गहरा था। मैंने कहा, जैन तीर्थंकरों ने जैन मुनियों के लिए अकिंच्य वृत्ति बताई है। उसके अनुसार वे धन्य धान्य आदि किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रख सकते। शरीर निर्वाह के लिए उन्होंने भिक्षावृत्ति का निरूपण किया। उनके द्वारा निरूपित भिक्षावृत्ति अन्य सन्यासियों की भिक्षा से सर्वथा भिन्न है। वे उत्तम भोजन बनाते समय, गृहस्थ की ओर से होने वाले उत्पादन, भोजन ग्रहण करते समय, साधु की ओर से होने वाले और ऐष्णा भोजन देते या लेते समय गृहस्थ और साधु दोनों की ओर से होने वाले दोषों से रहित भिक्षा स्वीकार करते हैं। उनके लिए अतिरिक्त रूप से बना हुआ भोजन वे नहीं लेते। सहज निष्पन्न भोजन का उपयोग करने में अहिंसा खंडित कैसे होगी? भदंत जी मेरे विचारों से सहमत हो रहे थे और उनका प्रश्न समाहित नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आपका कथन सही है कि आपके लिए कहीं भोजन नहीं बनता, पर वह किसी के लिए बने उसे बनाने में हिंसा होती है। हिंसा जनित वस्तु का प्रयोग करने वाला उस हिंसा से सर्वथा विरत कैसे हो सकता है? एक मांसाहारी व्यक्ति कहता है कि मैं अपने लिए बना मांस नहीं खाता, पर मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति भी हिंसा का दोषी है, क्योंकि मांस खाने वाला, मांस पकाने वाला, जीव का वध करने वाला और उस कार्य में उसका सहयोग करने वाला, इन सबको हिंसक माना गया है। एकंदर जीवों के शरीर को मांस नहीं कहा जाता, पर उनका वध प्राणीवध तो है ही। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जैन मुनि भोजन करने पर भी हिंसा के दोष से लिप्त नहीं होते? भदंत जी के विचारों का एक कौन था उसको ध्यान में रखकर मैंने कहा, भदंत जी आपका कथन ठीक है, पर यह हमारी सीमा है। हमारे अहिंसा व्रत की मर्यादा में सहज निष्पन्न शाकाहारी भोजन को दोष नहीं माना जाता। मांसाहार केवल हिंसा की दृष्टि से ही त्याज नहीं है, वह तामसिक भोजन है, अभक्ष्य है, इसलिए भी ताज है। हिंसा के संदर्भ में जैन तीर्थंकरों ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि देते हुए कहा है कि वास्तव में व्यक्ति का प्रमाद हिंसा है और अप्रमाद अहिंसा है, किंतु प्राणी का वध न होने पर भी जहां जहां प्रमाद है वहां निश्चित रूप से हिंसा है। हिंसा और अहिंसा की इस सूक्ष्म चर्चा में वहां उपस्थित अन्य श्रोताओं ने भी पूरा रस लिया। 7 अप्रैल 7 अप्रैल को हंगरी निवासी डॉक्टर फेमिक्स वेली, भारतीय संसद सदस्य श्री मेहरलाल जी चट्टोपाध्याय, कुंवर जसवंत सिंह जी भूतपूर्व मंत्री बीकानेर, अमेरिका वासी भारत सरकार के औद्योगिक सलाहकार मिस्टर ट्रॉन, मिहिर चंद बोस, संतोष कुमार व्यास, सत्यदेव विद्यालंकार, इंद्रप्रस्थ गुरुकुल के संचालक व प्रबंधक, आर्य समाज जी आचार्य आनंद भिक्षु आदि अनेक व्यक्ति संपर्क में आए। डॉक्टर फेमिक्स वेली ने जैन दर्शन के संबंध में कुछ गहरी जिज्ञासाएं प्रस्तुत की। विचारों के आदान प्रदान का मुक्त दौर चला। साम्यवादी चीन के लिए मनोनीत भारतीय राजदूत के एम पणिक्कर हमारे दिल्ली आगमन का संवाद सुनकर मिलने आए। वे पहले बीकानेर में एक बार मिले थे। अच्छे विद्वान और पुरातत्वविद है। 13 पंथी साधु साधियों की हस्तकला के वे बहुत प्रशंसक थे। दिल्ली प्रवास के प्रथम सप्ताह में ही कुछ लोगों ने हमारे सार्वजनिक प्रवचन की मांग की। निकटवर्ती लोग इस दृष्टि से कुछ आशंकित थे। उनकी आशंका सही भी थी, क्योंकि तब तक हमारा संपर्क क्षेत्र बहुत सीमित था। बिना जान पहचान या विशेष आकर्षण से कोई प्रवचन सुनने कैसे आता? फिर भी कुछ कार्यकर्ताओं में अच्छा उत्साह था। उन्होंने 9 अप्रैल को प्रातः चांदनी चौक के टाउन हॉल के पीछे वाले मैदान में सार्वजनिक प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित किया। प्रवचन का विषय रखा गया आज का युग और धर्म। कार्यकर्ताओं ने अपनी ओर से थोड़ा प्रचार भी किया। निर्धारित समय पर मैं वहां प्रवचन करने पहुंचा। जनता की उपस्थिति ने मुझे आशावादी बना दिया। लगभग 2000 लोग प्रवचन सुनने के लिए उत्सुक थे। नए लोगों में
कौन कौन लोग थे बता पाना संभव नहीं है, पर कुछ चेहरे परिचित थे। उसमें डॉक्टर फेनिक्स वैली, मिस्टर टॉन, जनवादी नेता दामोदर स्वरूप सेठ, हिंदुस्तान के संपादक शोभालाल जी गुप्त आदि कई व्यक्ति थे। उस समय दिल्ली में हमारे श्रावकों की संख्या बहुत कम थी, किंतु प्रवचन सभा को देखकर किसी को यह अनुभव नहीं हुआ कि यहाँ तेरापंथी के अनुयायी कम है। मैंने युगीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में धर्म की नए ढंग से व्याख्या की, प्रबुद्ध वर्ग पर अनुकूल प्रभाव हुआ। उस सप्ताह संपर्क में आने वाले प्रबुद्ध व्यक्तियों में कुछ नाम और उल्लेखनीय हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सोशल वर्कर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री बी पी कश्यप, बिजोलिया सत्याग्रह के क्रांतिकारी नेता श्री विजय सिंह जी पथिक, अमेरिका के डॉक्टर उसरेल, डॉक्टर कालिदास नाग, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, प्राणनाथ मेहता, डॉक्टर सातकोड़ी मुखर्जी आदि। डॉक्टर सातकोड़ी मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय में संस्कृत और अंग्रेजी के प्रकांड पंडित थे। डॉक्टर नथमल टाटिया जैसे ख्याति प्राप्त विद्वान उनके शिष्य थे। वे जैन दर्शन के भी गहरे विद्वान थे। जैन सिद्धांत दीपिका पढ़कर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, इस ग्रंथ में जितनी संक्षिप्त और स्पष्ट परिभाषाएं हैं वे तत्व समझने के लिए बहुत सहायक हैं। जीव की परिभाषा है उपयोग लक्षणों जीव। यह परिभाषा पढ़कर पाठक के मन में उपयोग के बारे में जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है। मैंने जैन दर्शन के अनेक ग्रंथ देखे हैं, मुझे अब तक उपयोग की परिभाषा नहीं मिली। प्रस्तुत ग्रंथ में उपयोग को परिभाषित करते हुए लिखा है, चेतना व्यापार उपयोग। यह ग्रंथ जैन दर्शन के प्रशिक्षकों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी है। आचार्य भिक्षु द्वारा प्रतिपादित दान दया आदि की सैद्धांतिक जानकारी पाकर डॉक्टर सातकोड़ी अभिभूत हो गए। विशेष प्रकार की आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न और प्रखर चिंतन के धनी आचार्य भिक्षु यदि जर्मनी में पैदा होते तो वे महान दार्शनिक काष्ट से कम नहीं होते। यह विचार उन्होंने कई बार दोहराया। उन्होंने यह भी कहा, राजस्थान के रेतीले टीले में यह राजहंस कहाँ से आ गया। डॉक्टर सातकोड़ी जितने बड़े विद्वान थे उतने ही विनम्र थे। उनकी श्रद्धा बड़ी विचित्र थी। उन्होंने मेरे सामने अपने आप को एक शिशु के रूप में अनुभव किया। वे जब कभी आए कुछ पाने की आशा से आए। उनकी श्रद्धाशीलता, विनम्रता और ग्रहणशीलता से मैं भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उनका अध्यापन का तरीका भी अनूठा था। वे कोई भी विषय पढ़ाते उसकी गहराई में जाकर पढ़ाते थे। उन्होंने जैन सिद्धांत दीपिका की विस्तृत भूमिका लिखी और मूल ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। सातकोड़ी बाबू बिना ही किसी प्रयास के हमारे निकट हो गए। उन्होंने एक बार अपनी आस्था को अभिव्यक्ति देते हुए कहा, आचार्य जी के प्रति मेरे मन में कितनी श्रद्धा है इसका दूसरे लोग अनुमान ही नहीं लगा सकते। इनके सामने मैं स्वयं को बालक अनुभव करता हूँ। इनकी ज्ञान राशि और अनुभव राशि से मुझे कितना सीखने को मिलता है मैं ही जानता हूँ। अपने घर में मैं इनका फोटो रखता हूँ। घर में प्रवेश करने के बाद पहले दो क्षण फोटो के सामने खड़ा रहता हूँ, उसके बाद किसी दूसरे काम में लगता हूँ। हमारे दिल्ली प्रवास का एक सप्ताह पूरा हुआ। दिल्ली पहुँचने से पहले संभावित कठिनाइयों को लेकर मन पर जो कुहासा था वह छट गया। नए लोगों से संपर्क का सिलसिला जारी था। दिगंबर जैन जम्बू कुमार संघ की प्रार्थना पर 13 अप्रैल को प्रातः सदर बाजार के डिप्टीगंज में विशेष प्रवचन का कार्यक्रम रखा। उन्हीं दिनों मध्याह्न में राजस्थान के लोक नायक जय नारायण व्यास एवं माणिकलाल वर्मा, जोधपुर के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री मथुरा प्रसाद माथुर, चौधरी कुंभाराम, नवभारत टाइम्स के संपादक अक्षय कुमार जैन, निरंजन देव शर्मा, महारानी सोरापुर आदि अनेक व्यक्तियों के साथ विचार विनिमय हुआ। भारतीय विधान परिषद के सदस्य अनंत सैनम आयंगर, मिहिरलाल चट्टोपाध्याय, माणिकलाल वर्मा और अजित प्रसाद जैन मेरे पास आए और बोले, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक विशेष सभा का आयोजन हो रहा है, आप वहां पधारे और उस सभा को संबोधित करें। उनके अनुरोध पर 16 अप्रैल को प्रातः नया बाजार से चलकर हम नई दिल्ली गए। वहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सांसद, पत्रकार और अन्य लोग अच्छी संख्या में उपस्थित थे। डॉक्टर सातकोड़ी मुखर्जी ने तेरापन धर्म संघ के बारे में अंग्रेजी भाषा में परिचयात्मक भाषण दिया। मैंने अपने वक्तव्य में युगीन समस्याओं के संदर्भ में अहिंसा और अपरिग्रह की चर्चा करते हुए कहा, संसार के सब प्राणी सुख के इच्छुक हैं।
यह निर्विवाद तथ्य है। विवाद का विषय यह है सुख की उपलब्धि के उपाय। कुछ लोग शारीरिक सुख सुविधा तक पहुंचकर अटक जाते हैं, पर यह सुख नहीं केवल सुखाभास मात्र है। वास्तविक सुख वह होता है जहां दुख की छाया ही न पड़े। ततः सुखम यत्र न सुखम, वह सुख कहीं बाहर नहीं आत्मा के भीतर होता है। उसकी प्राप्ति अहिंसा और अपरिग्रह की साधना से ही संभव है। अहिंसा से सम्मत्व का विकास होता है और अपरिग्रह की भावना से संग्रह एवं भोग की वृत्ति नियंत्रित होती है। संपूर्ण रूप से अहिंसा और अपरिग्रह की साधना के लिए संन्यास स्वीकार करना आवश्यक है। यह मार्ग सबके लिए ग्राह्य नहीं हो सकता। सार्वजनिक रास्ता है वृत्तियों का बहिष्कार और इच्छाओं पर अंकुश। हिंसा और परिग्रह की शाश्वत समस्या की चर्चा के बीच मैंने सामयिक समस्या की ओर श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, आज जातिवाद की समस्या कम जटिल नहीं है। जातियों की व्यवस्था संघर्ष के लिए नहीं उपयोगिता के लिए हुई थी। उसे विग्रह का निमित्त बनाना संकीर्ण मनोवृत्ति का प्रतीक है। जातिवाद की तरह राजनीतिक दल भी विग्रह के कारण बन रहे हैं। राजनीतिक दलों की जैसी स्थिति बन रही है, लगता है कि दलगत राजनीति एक बड़ी समस्या हो जाएगी। इन सब समस्याओं के समाधान हेतु अनुव्रत का प्रयोग उपयोगी हो सकता है। अनुव्रत और तेरापन के बारे में विस्तार से जानने की उत्सुकता देखकर मैंने अपने प्रवचन में दोनों बिंदुओं पर विस्तृत प्रकाश डाला। विधान परिषद के डिप्यूटी स्पीकर अनंत सैनम अयंगर आभार ज्ञापन करने के लिए खड़े हुए। तेरापन की व्याख्या उन्हें बहुत पसंद आई। उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, तेरापंथ अर्थात दाईपथ, कितना सुंदर अर्थ है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह दाईपथ नहीं माईपथ है। तेरापंथ नाम नया है, पर यह एक व्यापक दृष्टिकोण है। आयंगर ये कहते हुए भाव विभोर हो उठे। उनके कथन का श्रोताओं पर भी गहरा प्रभाव हुआ। उस दिन हांसी से सैकड़ों लोग दिल्ली आए थे, उनमें जैन जैनेतर सभी लोग थे। उन्होंने अपनी मांग प्रस्तुत करते हुए विक्रम संवत 2007 1950 का चतुर्मास हांसी में करने की प्रार्थना की। लोगों का उत्साह अनुरोध और आग्रह देखकर मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर आगामी चतुर्मास हांसी करने की घोषणा कर दी। आगंतुक लोगों की प्रसन्नता सीमा को लांघ गई। ओम अरहम।